हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम द एल्केमिस्ट, जिसको पॉलो कोएल्हो ने लिखा है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नॉवल बहुत ही ट्रैजिक है और इसकी एंडिंग तो गजब की है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। द एल्केमिस्ट की प्लॉट स्पेन से शुरू हुई है और इसके मेन कैरेक्टर है सैंटियागो, जो कि एक शेपर्ड है। रात का समय रहता है, सैंटियागो वो रात एक चर्च के सामने साइकोमोर नाम का ट्री रहता है उसी के नीचे गुजारता है। हालांकि वो एक विलेज ट्रैवल कर रहा होता है मर्चेंट की डॉटर से मिलने के लिए। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, सैंटियागो को एक जगह पर रुकना बिल्कुल नहीं पसंद रहता है, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसकी फैमिली चाहती थी कि वो प्रीस्ट बने, लेकिन क्योंकि उसे ट्रैवलिंग पसंद होता है तो उसके फादर उसको ब्लेसिंग देते हैं कि तुम शेपर्ड बन जाओ, क्योंकि उसमें उसको एक जगह ठहरना नहीं पड़ेगा और वो अपने भेड़ बकरियों के साथ इधर उधर जा सकता है, तो इसीलिए वो शेपर्ड बन जाता है। अब जब वो क्योंकि विलेज जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे लड़की से मिलना होगा और वहाँ पे जाकर मुझे ठहरना भी होगा, तो ये चीज़ भी उसे कहीं ना कहीं एक बर्डन जैसा लग रहा था। अब जब वो आराम कर रहा होता है तो हर बार क्या होता था कि उसको सपने में ऐसा आता था कि वो इजिप्ट के पिरामिड के पास गया है और वहाँ पे बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, और जब वो वहाँ पहुँचने ही होता है तब क्या होता है, उसकी आंखें खुल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक फॉर्चून टेलर से उसी वक्त मिलता है जब वो वहाँ पर आराम कर रहा होता है, मीन्स जो भविष्य बताते हैं। तो वो उससे पूछता है कि मुझे इजिप्ट पिरामिड का सपना आता है और ऐसा सपना मुझे क्यों आता है, और मैं ऐसा देखता हूँ कि वहाँ कुछ खजाना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारे सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। तो तभी वो जो फॉर्चून टेलर रहती है वो बोलती है, मैं तुम्हें जो भी बताऊँगी उसके बदले में तुम्हें मुझे 1/10 पार्ट देना होगा जो भी तुम्हें मिलेगा। फिर वो बताती है कि तुम इजिप्ट पिरामिड जाओ, वहाँ पर सचमुच खजाना रखा हुआ है, तुम्हें जाके वो खजाना लेना चाहिए। अब यहाँ पे सैंटियागो को उसके बाद पे भरोसा नहीं होता और वो सोचता है कि मैं क्यों ही इतने पैसे लगा के इजिप्ट जाऊँ, क्या पता वहाँ पे मुझे कुछ खजाना नहीं मिले, तो मेरा वक्त भी बर्बाद होगा और मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद को सीरियसली नहीं लेते हुए वो बैठकर बुक्स पढ़ने लगता है। बुक पढ़ते वक्त क्या होता है कि एक ओल्ड मैन उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ये जो तुम बुक पढ़ रहे हो वो बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन इस बुक में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा है कि जो हमारे साथ होने वाला है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो बताता है कि मेरा नाम मेल्चिस्टेक है, मैं किंग ऑफ सेलेम हूँ। सैंटियागो को उसके बाद तो भरोसा नहीं होता है कि वो कहीं का राजा हो सकता है, क्योंकि उसका जो हालत था वो देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि वो कहीं का राजा हो सकता है। उसके बाद वो बोलता है मेल्चिस्टेक कि मैं उन्हीं लोग के पास आता हूँ जिनको मदद की ज़रूरत होती है और जो अपनी सोच को कहीं ना कहीं त्याग देते हैं, अपने आइडिया को गिव अप कर देते हैं। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी कुछ बकरियाँ दोगे तब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम खजाना को कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि सैंटियागो सोचता है कि इसको कैसे पता है कि मेरे सपने में क्या आता है और मैं खजाना के बारे में सोच रहा हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है, सैंटियागो अपनी 6 बकरियाँ उसको दे देता है और जो बची हुई बकरियाँ रहती है वो अपने फ्रेंड को बेच देता है पैसों के लिए। और फिर मेल्चिस्टेक उसको बताता है कि गॉड, तुम भगवान पर भरोसा करो, वो तुम्हें जहाँ ले जा रहे हैं तुम उन्हीं के रास्ते पर चलते चलो, अपने दिल की सुनो, जहाँ तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाएगा तुम वहीं पे जाओ। और उसके बाद उसको वो स्टोन्स देते हैं, 2 स्टोन उसको देते हैं जिसका नाम रहता है उरीम और थमीम। ये ऐसे स्टोन रहते हैं जिसको फॉर्चून टेलिंग में भविष्य बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर यहाँ से सैंटियागो निकल जाता है खजाने की खोज में और पहुँच जाता है टैंजियर, जो मोरक्को में रहता है। वहाँ पहुँच के वो कुछ देर के लिए मार्केट प्लेस में ही सो जाता है और वहीं पर उसी वक्त कुछ लोग आते हैं और उसके पैसे चुरा के ले जाते हैं। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वो आगे जा सके, तो उसे मिलता है एक क्रिस्टल मर्चेंट। वहाँ पे वो उससे पूछता है जॉब के लिए कि यहाँ पे मुझे कोई जॉब मिल सकता है, मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं, बस मुझे खाना मिल जाना चाहिए। तो क्रिस्टल मर्चेंट उसको काम पे रख लेता है। क्रिस्टल मर्चेंट का एक शॉप रहता है जहाँ पर क्रिस्टल क्लीनिंग किया जाता है, तो वहाँ पर वो उसे काम करवाता है और उसको फूड देता है। और फिर सैंटियागो सोचता है कि इजिप्ट जाने के लिए तो अब मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे और लगभग 10 साल भी लग सकते हैं। फिर वो सोचता है कि मैं इतने टाइम तक जो इतना कमाऊँगा इजिप्ट जाने के लिए, क्यों ना मैं कुछ पैसा कमा के वापस से बकरियाँ खरीद लूँगा और कम से कम मैं वही शेपर्ड वाला लाइफ तो जी पाऊँगा। अब एक दिन सैंटियागो क्रिस्टल मर्चेंट को बोलता है कि वो अपने शॉप में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करवाए, मतलब कुछ चीज़ें बदलवाना चाहता था वो, सो दैट अच्छा लुक दे, लाइक वो डिस्प्ले केस चाहता था उसके स्टोर में ताकि थोड़ा वो बेटर लगता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल मर्चेंट रहता है उसको कुछ भी चेंज नहीं चाहिए था, वो एक मुस्लिम था और उसको बस अपने कमाई से ही मतलब थी, जितना हो रहा है कमाई हो रहा है, बाकी उसको
अपने स्टोर में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं पसंद था, उसने मना कर दिया चेंज करवाने से। फिर कुछ टाइम बाद वो उसको परमिशन देता है कि ठीक है तुम जो चेंजेस चाहते हो वो करवा सकते हो, लाइक जो डिस्प्ले केस चाहते हो वो तुम कर सकते हो। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सैंटियागो के वजह से ही कहीं ना कहीं इस मर्चेंट का जो स्टोर था वो बढ़ने लग गया, उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा होने लग गया, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग गया उसका बिज़नेस। और इसी तरीके से क्या हुआ, फाइनली सैंटियागो के पास अच्छे पैसे जमा हो गए जिससे वो बकरियाँ खरीद सकता था। फिर उसका नज़र उसके अपने बैग पे गया और उस बैग में वो स्टोन्स रखे हुए थे जो उस ओल्ड मैन ने उसको दिया था। फिर तभी उसने सोचा, डिसाइड किया एक्चुअली कि मैं बकरियाँ नहीं खरीदूँगा, मैं इजिप्ट जाऊँगा। तो वो इजिप्ट के लिए वहाँ से रवाना होता है। उसी सफ़र में उसे एक इंग्लिश मैन मिलता है जो एक स्टूडेंट रहता है और एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली एल्केमिस्ट वैसा व्यक्ति होते हैं जो मेटल को गोल्ड में चेंज कर लेते हैं, और ये इंग्लिश मैन जानना चाहता था कि उनका आखिर सीक्रेट क्या होता है जिससे कि वो मेटल को गोल्ड में चेंज कर लेते हैं। तो उसी को ढूंढने के लिए वो इंग्लिश मैन ट्रैवल कर रहा था। आगे चलते चलते उनको एक कैमल ड्राइवर मिलता है और वो अपने बारे में बताता है अपना स्टोरी कि मैं पहले फार्मर था, उसका एक बड़ा सा ऑर्चर्ड था, लेकिन बाढ़ आने की वजह से वो पूरा ऑर्चर्ड बर्बाद हो गया और इसीलिए आज मैं एक कैमल ड्राइवर हूँ। वो उनको एक बुक भी देता है जिसमें एल्केमी के बारे में होता है और वो आगे ये भी एडप्ट करता है कि आज अच्छे से जीने के लिए हैप्पी रहना इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के कैमल ड्राइवर उनको एल्फियोमोसिस में जाके रोकता है क्योंकि उसी के आगे वॉर हो रहा था तो वो उसके आगे नहीं जा सकता था, तो उनको वहीं पर रोक देता है। फिर वही ओएसिस पे इंग्लिश मैन की सैंटियागो मदद करता है एल्केमिस्ट को ढूंढने में, और उसी दौरान उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है फातिमा। सैंटियागो को फातिमा पसंद आती है और फातिमा को भी सैंटियागो अच्छा लगता है। उसके बाद उनको एक स्ट्रेंजर मिलता है जो हॉर्स पे आ रहा होता है और वही रहता है एल्केमिस्ट, तो वहाँ पे उनको एल्केमिस्ट मिल जाता है। उसी रात सैंटियागो को फिर सपना आता है कि ओएसिस पे अटैक होने वाला रहता है, तो वो जल्दी से जाता है और राजा लोग को बोलता है वहाँ पे कि ऐसे ऐसे अटैक होने वाला रहता है। तो फिर राजा लोग इंतज़ाम करते हैं और सच में उन पर अटैक होता है और वो बच जाते हैं। बचने के बाद राजा बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं सैंटियागो का, फिर उसको उपहार स्वरूप बहुत कुछ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसे जो भी मिलता है सैंटियागो को, सैंटियागो लगता है कि यही वो खजाना है जो मुझे यहाँ मिलने वाला था, और वो यही थॉट लेकर अब जाने वाला होता है वापस। तभी एल्केमिस्ट उसको बोलता है कि असली खजाना पिरामिड के नीचे है। तो यहाँ पे तो सैंटियागो ये सोच रहा था कि उसका खोज यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन फिर एल्केमिस्ट उसे बताता है कि असली खजाना कहाँ है, पिरामिड के नीचे। फिर वो लोग एल्केमिस्ट और सैंटियागो साथ में डेजर्ट की तरफ मूव करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनको कुछ लोग पकड़ लेते हैं ये समझ के कि वो लोग जासूस हैं। अब यहाँ पे एल्केमिस्ट उनको बोलता है कि ये जो सैंटियागो है वो मैजिशियन है, जादूगर है, वो खुद को हवा में बदल सकता है। और फिर वो कहता है कि 3 दिन का चैलेंज देता है कि 3 दिन में ये खुद को हवा में बदल के दिखा सकता है। तो वहाँ जो वो लोग थे वो लोग भी इस चीज़ को बोलते हैं कि ठीक है हम भी देखते हैं ये 3 दिन में कैसे हवा में बदलता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, सैंटियागो नहीं हवा में बदल पाता क्योंकि उसको भी नहीं पता रहता ऐसा कुछ कि वो बदल सकता है। और यहाँ पे उसको थोड़ा अजीब भी लगता है कि ये एल्केमिस्ट ने क्या कह दिया है। उसके बाद फिर एल्केमिस्ट उसको कहता है कि कॉन्सेंट्रेट करो तुम खुद पर, तुम खुद को हवा में बदल सकते हो। इस तरीके से एल्केमिस्ट उसको बोलता है कि खुद पर भरोसा रखो। और तीसरे दिन सच में वो बदल जाता है हवा में, तो जो लोग रहते हैं वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, पर एल्केमिस्ट को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। उसके बाद वो मोनेस्ट्री पहुँचते हैं, वहाँ पे एक मॉन्क होता है, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करता है। मॉन्क उनकी इतने अच्छे से खातिरदारी करते हैं कि एल्केमिस्ट खुश होकर कुछ तांबे को गोल्ड में बदल कर वो उस मॉन्क को देता है और कुछ सैंटियागो को भी देता है, और वहीं से सैंटियागो को छोड़ देता है और ये कहता है कि अब आगे का सफ़र तुम अकेले पूरा करोगे। और फाइनली सैंटियागो पहुँचता है पिरामिड के पास। वहाँ जाता है तो वो पहले बहुत रोता है और उसके बाद वो वहीं से खुदाई शुरू करता है, बट उसको कोई भी खजाना नहीं मिलता है। कुछ देर में कुछ रिफ्यूजी वहाँ आते हैं, उसको देखते हैं और उसको पीटने लगते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों हो तुम यहाँ। फिर सैंटियागो का जो गोल्ड रहता है वो सब उससे छीन लेता है, और फिर सैंटियागो बताता है कि मैंने एक सपना देखा था कि इजिप्ट के पिरामिड के नीचे बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, तो मैं उसी खजाने की तलाश में आया हूँ। तो रिफ्यूजी का जो लीडर रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने भी एक सपना देखा था, स्पेन में एक चर्च है, चर्च के सामने साइकमोर नाम का ट्री है और उसी ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना है। तो मैं इतना पागल तो नहीं हूँ ना कि एक सपने के पीछे भागता भागता मैं स्पेन पहुँच जाऊँ, और तुम कितने पागल हो कि बस एक सपने के लिए तुम यहाँ पहुँच गए हो। तो रिफ्यूजी समझ जाते हैं कि ये पागल जो अपने सपने के लिए यहाँ आया, और अब तो इसके पास कुछ है भी नहीं, तो उसे वहीं पर छोड़ के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि सैंटियागो अकेला रहता है
और वो बहुत ज़्यादा ही हंसने लगता है और वो वापस स्पेन जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि खजाना आखिर में है कहाँ। वो खुदाई करता है उसी पेड़ के नीचे और उसको वहाँ पे खजाना मिल जाता है। और लास्ट में जब उसको खजाना मिल जाता है तो वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ फ़ातिमा। वैसा इसलिए कहता है क्योंकि वो फ़ातिमा को कहीं ना कहीं पसंद करता होता है और जब वो फ़ातिमा को अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बताता है, उसके सपने के बारे में, तो फ़ातिमा उसको रोकती नहीं है। भले वो चाहती थी कि यहीं पे सैंटियागो रुक जाए, उसके साथ वहीं बस जाए, लेकिन फ़ातिमा उसको सपोर्ट करते हुए बोलती कि नहीं, तुम जाओ अपने सफ़र को पूरा करो। तो एट लास्ट उसको खजाना भी मिल जाता है और फ़ातिमा भी मिल जाती है। तो गाइज़, इस नॉवल का मेन मॉरल ये रहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो कोई ना कोई लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए रास्ता दिखाएंगे ज़रूर। सो गाइज़, यहाँ पे नॉवल ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स।